श्री कृष्ण के अनमोल वचन, किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। जो कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं, वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है।